हमेशा से दृष्टि आयुष को टारगेट करती आई हूँ, क्योंकि दृष्टि आयुष बेवजह बिना किसी बात के इनके मैटर में घुसी हैं और फालतू के व्यूज ले रही हैं। इतनी बेशर्म है वो औरत, इतनी बेशर्म है कि मैंने इतना ज्यादा लाइव किया, हर जगह बोला कि जब तुझे लीगल नोटिस नहीं गई थी तब भी तूने उस वीडियो को वहां पे क्यों रखा, तब भी उस औरत ने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया क्योंकि उससे उसके डॉलर्स बन रहे थे। और अभी भी जो वर्ड्स मैंने बोले थे, देखो आज वही वर्ड्स एग्जैक्टली सचिन भी बोल रहा है। और दृष्टि आयुष के बारे में ना मैं आज आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जिसको सुन के आप लोग हिल जाएंगे और आप लोग को भी लगेगा कि हाँ हम भी ये बातें सोच रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे जो मैंने कह दिया आज। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शन। से आप आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, उन पे कमेंट भी करना और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरे YouTube वीडियोस को मिस कर देते हैं तो मेरे Facebook पे आप जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर भी मेरा Facebook पेज है अंकिता ट्रूथ रिएक्शंस, वहां पे आप जाइए और यही सेम वीडियोस आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा Instagram ID फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग जाके मुझे Instagram पे फॉलो अप कर सकते हैं। तो गाइस, सृष्टि आयुष की बातें हर जगह, हर वक्त, हर समय, जब भी सचिन राज के साथ हमारी दृष्टि आयुष होती थी ना, वो हमेशा उससे चिपका करती थी। पर अफसोस, हमारे सचिन भैया उनको भाव नहीं देते थे। फिर वो अभी क्या कर रही है कि अभी वो मनीषा का साथ दे के हमारे सचिन भैया से उनको दूर कर रही है इंटेंशनली। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा भी बन जाते हैं और अपना काम भी निकाल लेते हैं, हमारी दृष्टि दीदी भी वैसी है। अब उनको क्या जरूरत थी लीगल नोटिस का बखेड़ा बनाने का, आप लोग खुद ही सोचिए। ये भी बोल रहा है, हमारा लप्पू भी बोल रहा है कि आपने उस वक्त फोन करके मुझे बताया था लीगल नोटिस का क्या था, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन आपने उसका बहुत बड़ा बखेड़ा बनाया था सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, तो इसी से आप समझ जाइए कि हमारी जो दृष्टि दीदी है उनको व्यूज लेने का कितना भूख है, बहुत ज्यादा भूखी है बिचारी, कैसे भी व्यूज मिल जाए, क्योंकि उनके पिछले व्यूज हमने देखे हैं कितने आते थे, अब इस कंट्रोवर्सी से बहुत व्यूज आ रहे हैं, तो भैया वो क्यों छोड़ेंगे। दृष्टि दीदी यहां थी और दो तीन लोगों की कंट्रोवर्सी यहां चल रही थी। दृष्टि दीदी धीरे 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 जाते जाते ऐसे घुसने की कोशिश कर रही है उसमें कि मैं कैसे घुस जाऊं उस कंट्रोवर्सी में। लेकिन देखिए, आपका इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ मनीषा का साथ है, मनीषा के साथ है, साथ है बोल के ना आप इस कंट्रोवर्सी में घुसने की जितनी कोशिश करेंगे ना, उतने ही मुंह के खा के वापस आएंगे इस कंट्रोवर्सी से, ठीक है। क्योंकि आपकी जरूरत इन तीनों के बीच में नहीं थी, ये तीनों अपना सोशल मीडिया पे लेकर आए, जनता इन्हें गाली दे रही है, जनता इनको उल्टा सीधा सुना रही है, लेकिन आपकी क्या जरूरत थी इसके बीच में घुसने की। एक लीगल नोटिस जो कि गया भी नहीं, ये औरत इतनी बेशर्म है कि इसने उस पर वीडियो छाप दी और जब इसको पता चला कि वो लीगल नोटिस हमारी जगत दीदी ने भेजी ही नहीं, फिर इस औरत ने एक और वीडियो छाप दी लेकिन पिछली वीडियो को डिलीट नहीं करा। अरे तुमको शर्म लिहाज नहीं है कि तुम एक औरत के नाम पे व्यूज ले रही हो और बेवजह व्यूज ले रही हो, और इतना भी तुमको सेंस नहीं है कि जो इंसान तुमको अपनी कॉन्ट्रोवर्सी में घुसाना नहीं चाहता है उसके बावजूद भी जबरदस्ती तुम घुस रही हो। और अब ये मनीषा का साथ देके सचिन मनीषा को क्यों दूर करना चाहती हैं आप समझिए, क्योंकि सचिन इनको भाव नहीं दिया, इनके मन में सचिन के लिए कुछ था जो कि अफसोस सचिन ने इनको भाव नहीं दिया। और अब दीदी को लग रहा है कि अच्छा तूने मुझे भाव नहीं दिया, तूने मेरे बारे में आगे सोशल मीडिया पर बोल दिया, अब तेरी बीवी को देख तुझसे कैसे दूर करती हूँ, तुम दोनों में कभी पटने नहीं दूंगी। असलियत यही है ऑडियंस, आप माने या ना माने पर सच्चाई यही है। और मनीषा भौजी, तुमको हर बार मैं बोल रही हूँ तुम उल्टी खोपड़ी हो, तुम किसी के बहकावे में या किसी की बातों में मत आओ, तुम दो ही लोगों की बात सुनो, एक अपनी मम्मी की और एक अपनी सासू माँ की, और तुम्हारा कोई भी भला नहीं चाह सकता, कोई भी भला नहीं चाह सकता, मैं बता रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से देखती हो ना तो अपनी खोपड़ी को खोल लो और अपने दिमाग को और आंख को कान को सब जगह खुला छोड़ दो
और चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये जितने क्रिएटर्स तुम्हारे साथ में आके तुम्हें भड़का रहे हैं ना कि केस कर दो, तो कभी वो कर दो, कभी ऐसे कर दो, सब फालतू चीजें हैं, किसी की बातें मत सुनो। तुम्हारा दिल दिमाग जो कहता है तुम वो करो, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी माँ बाप जो तुम्हें कहते हैं तुम वो करो, फालतू की चीजें छोड़ दो। तुम्हारी मम्मी का डिसीजन था ना तुमको वहां पर ले जाना, तुम्हारी मम्मी का डिसीजन बिल्कुल सही था। आपके माँ बाप कभी बुरा चाह ही नहीं सकते और कोई भी माँ बाप अपनी औलाद की बुरा नहीं चाह सकती, तो तुम अपनी माँ बाप की बातें सुनो। किसी भी क्रिएटर की कोई भी बात सुनने की तुमको जरूरत नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो भाई तुम लोगों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे चला जाएगा ना जहां से वापस लौटने का कोई गुंजाइश नहीं होगा, फिर तुम्हें तलाक देना ही पड़ जाएगा किसी भी तरीके से। तो इतना किसी इंसान को फ्रस्ट्रेट मत करो, इतना किसी इंसान पे प्रेशर मत बनाओ कि वो इंसान मजबूर हो जाए तुमसे दूर जाने के लिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सबकी पोलम पट्टी खोल रहा है। कोई भी क्रिएटर आपको लगता है मनीषा जी कि आपके घर में गया था आपके रिश्ते सुधारने के लिए, नहीं, हर क्रिएटर आपके घर में गया था पैसे कमाने के लिए। ये जनता को पता चला और जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि आपके घर में ये जितने भी ये दृष्टि आयुष है या ये अंकुश सक्सेना है, जितने भी लोग आपके घर में गए हैं ना, अमित किट्टो को अगर मैं छोड़ देती हूँ, उनका फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगती है सारी चीजें, इतने व्यूज के भूखे नहीं है, पर हाँ रिश्तों को अच्छे से बना के रखना चाहते हैं इन लोग के। बाकी इनके अलावा अगर कोई आपके घर गया है तो वो सब पैसे के लिए गए हैं, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाए ना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कोई क्रिएटर तुम्हारा सगा नहीं है, हर क्रिएटर को तुम्हारे नाम से व्यूज लेके पैसे कमाने हैं। अभी हमारे लप्पू भैया ने भी एक बात बोली अंकुश के बारे में कि आके बोला था मेरे इतने खर्चे हो गए, तो भाई एक बात तो इसने बिल्कुल सही बोली कि उतना वो तुम्हारे घर पे जाके कमा लिया था, उतना तो उसने एक वीडियो बना के व्यूज लेके कमा लिया, उससे ज्यादा कमा लिया। जितना भाई व्यूज तो लाखों में आ रहे हैं तो डॉलर्स तो भैया बहुते बना होगा, तो कैसे बोल ले कि जितना खर्चा हो उससे ज्यादा आपने कमा लिया। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोला हमारे लप्पू भैया ने। बाकी दृष्टि दीदी आपके क्या ही कहने, फालतू में आके चीजें इतनी बोलती हो ना, बोलते बोलते क्या बोल जाती हो पता ही नहीं चलता। एक और पोलम पट्टी खोल दिया है सचिन ने इनका। जिन लोगों ने सचिन के बातों पे गौर नहीं करा होगा ना वो गौर करिएगा। इसने एक बात बोली कि मनीषा तो वैसी नहीं है कि मैं उसके पीछे पीछे भागता चलूं आयुष की तरह, समझे आप लोग, पीछे 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 की क्या कर रही है, यानी मनीषा का कैरेक्टर खराब नहीं है कि सचिन को उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा देखने के लिए कि मेरी बीबी क्या कर रही है, किसके साथ है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन दृष्टि दीदी आपका हस्बैंड आपके पीछे पीछे क्यों भागता है, तो हमारे लप्पू भैया ने आपकी सच्चाई तो सोशल मीडिया पे खोल डाली। सही बोल रहा था वो कि इतना मजबूर मत करिए कि मैं सबके राज यहाँ पे खोल दूं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल मैटर यहाँ पे खोला हूं, लेकिन जितने लोग मुझे टारगेट करेंगे ना सबका राज मैंने अपने सीने में दबा रखा है और सबकी पोलम पट्टी एक एक करके मैं खोल दूंगा। तो भाई दृष्टि दीदी इतना तो मुझे लगता है काफी है आपको समझाने के लिए, अभी भी नहीं समझेंगी तो इस बार जगत दीदी की तरह आपकी बारी है। और जगत दीदी तो बिचारी इतनी सारी मुसीबतों को झेल कर जिंदा भी है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, सच बोलते हैं वो आयरन लेडी है। लेकिन दृष्टि दीदी आपको कहीं फांसी ना चढ़ना पड़ जाए तो आप जरा संभल के बोलिए और सतर्क रहिए। बाकी ऑडियंस आप सब अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।